Time is what we want most, but we use worst. These lines by William Penn itself describes the preciousness of time in our lives. Hello everyone, welcome back to my channel. So time yaar bahut precious hai. सभी के पास वही 24 घंटे हैं, सभी को उसी में मैनेज करना है. तो ऐसा क्यों है कि कुछ बच्चे जो हैं वो एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर भी करते हैं और वो इन्जॉय भी करते हैं, बट ऑन द अदर साइड कुछ बच्चे इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं. द रीज़न इज़ सिंपल, टाइम मैनेजमेंट. तो जो ये टाइम मैनेजमेंट है ना यार, ये एक पूरा प्रोसेस है. इसमें सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर आपको अपने एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है कि आप कितना टाइम किस जगह दे रहे हैं, एंड उसको फिर एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. तो इस वीडियो में यार मैं आप लोगों को देने वाली हूँ टिप्स जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इम्प्रूव हो सकें. सो टिप नंबर 1 इज सेट क्लियर गोल्स. विदाउट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट यू वॉन्ट टू अचीव, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम. तो अपने लिए गोल सेट करो, फिर उस गोल्स को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक कर दो जो आपको करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक वीक के अंदर आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर लगा लो एक वीक में आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है. प्रीवियस ईयर लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिन बच्चों का मेंस क्लियर हो चुका है, जो अभी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब एग्जाम कंडीशंस को मिमिक करके एकदम उतना टाइमर सेट करके उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाना चाहिए. उससे क्या होगा, क्योंकि जब वो कंडीशंस रियल में हो आप पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि यू हैव प्रैक्टिस बिफोर, एंड इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. अगर आप रिसोर्सेज की बात करें तो आप क्या फॉलो कर सकते हैं, तो यार ओसवाल की ये एक बुक है जेई एडवांस के लिए, जिसमें प्रीवियस 21 ईयर्स के ईयर वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं. एंड इसमें बेस्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कम्प्लीटली अपडेटेड, 2022 तक के पेपर्स हैं इसमें. एंड जो बेस्ट थिंग मुझे इस बुक में लगी आर दी माइंड मैप्स. तो इस बुक में यार हर चैप्टर का कुछ इस तरीके से माइंड मैप है जो आपको कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन प्लस ओवरव्यू दे देता है, एंड इससे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. तो जब आप इन क्वेश्चन पेपर्स को टाइम लगा के सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपका एक अंदर से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. तो अच्छा, मेरे पास ये फिजिक्स वाली बुक है, तो इस बुक का मैं गिव अवे करूँगी इस वीडियो में. तो जिन बच्चों को ये बुक चाहिए वो कमेंट्स में लिखें कि वाई दे रिक्वायर दिस पर्टिकुलर बुक, एंड मैं इस बुक का गिव अवे करने वाली हूँ. एंड ट्रस्ट मी गाइस, डूइंग दिस बुक विल कम्प्लीटली चेंज द वे यू आर सीइंग दिस एग्जामिनेशन टिल नाउ. नाउ पॉइंट नंबर 2 इज मेक अ शेड्यूल. हम एक रात पहले अगले दिन हम क्या क्या करने वाले हैं पूरा कॉपी में बैठ के शेड्यूल बनाएंगे. ऐसा क्यों यार, टिम ग्रोवर का एक बहुत ही फेमस कोट है कि यू विल नेवर बी फिजिकली रेडी इफ़ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड. तो जब हम एक रात पहले अगले दिन का शेड्यूल बनाएंगे तो उससे हम मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लेंगे कि हम कल क्या क्या करने वाले हैं. एंड एकदम से यार बहुत हैक्टिक शेड्यूल नहीं बनाने, क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल बना लोगे, अब आपकी आदत है नहीं उतना मेहनत करने की, आपने शेड्यूल बहुत हैक्टिक बना लिया, तो फिर आप उसको अगर कर नहीं पाए तो आपको डीमोटिवेशन होगा और फिर मतलब लॉजिक ख़त्म हो जाएगा, आप नहीं करने वाले. इसलिए अचीवेबल गोल्स रखने हैं शेड्यूल में और उस शेड्यूल को पूरा करना है. जब आप उसको टिक करोगे ना यार कि मैंने आज ये सब कर लिया, तो आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस. फिर अगले दिन आप जब ये करोगे ना तो आप में अलग लेवल का एंथू होगा, एंड ऐसे करके आपकी एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा. पॉइंट नंबर 3 इज अवॉइड प्रोकास्टिनेशन. आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट टाइम वेस्टर है हम सबकी लाइफ में, कि हम अपने काम को प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं. एंड इसका सॉल्यूशन है कि सबसे पहले कॉजेस फाइंड आउट करो अपने प्रोकास्टिनेशन के. जब आपको कॉज बताओगा तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना इज़ वेरी इजी. एंड मेरे केस में क्या होता था यार, जब मैं गेट की तैयारी कर रही होती थी ना, तो मैं अपनी इमेजिनेशन में लॉस्ट हो जाती थी. मुझे कुछ इमेजिन करने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो मैं मतलब वो सोचती रह जाती थी. तो उसका एज अ सॉल्यूशन मैंने निकाला कि जब भी मैं खुद को कैच करती थी ना, आई यूज्ड टू ट्राई टू कैच माई सेल्फ, कि जब भी मैं खुद को ऐसे कुछ सोचते हुए कैच करती, तो मैं खुद को कहती थी कि गरिमा, ये सोचने में तुझे बहुत मज़ा आ रहा है आई नो, पर ये जो चैप्टर है ना इसको ख़त्म कर, तू फिर इसके बारे में सोच लियो. तो मतलब उस चीज़ को एज अ रिवॉर्ड रख लो,
आपको इंस्टाग्राम चलाने का बहुत मन हो रहा है, तो मतलब ऐसे कर लो कि ये चैप्टर खत्म करते हैं, फिर 10 मिनट इंस्टाग्राम चला लेंगे। तो जब आप उसको एज अ रिवॉर्ड रखोगे ना, तो जो आप अभी काम कर रहे हो आप उसको और एनर्जी से करोगे, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको वो रिवॉर्ड दिख रहा है एट द एंड। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न टू से नो। आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है, आप जितना जल्दी सीख लो उतना ही अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली यार जब भी आप किसी चीज़ को हाँ कह रहे हैं तो आप दूसरी चीज़ को तो ना कह ही रहे हैं। अगर आप अपने दोस्तों को बाहर घूमने जाने के लिए हाँ कह रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को ना कह रहे हैं। एंड आई नो, ट्रस्ट मी, आई नो दैट बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, आपके दोस्त आपको ताना देंगे कि क्या यार कभी कभी पूछते हैं, हर टाइम मना कर देता है, पर आफ्टर सम टाइम उनको भी ये रियलाइज हो जाएगा कि आप कितने पैशनेट हो, एंड वो भी अनटिल और अनलेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो भी आपसे पूछना छोड़ देंगे। सो माय लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इज बी कंसिस्टेंट, क्योंकि यार जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये एक स्किल है, इसको डेली प्रैक्टिस रिक्वायर है। आपको ऐसा नहीं कि एक दो दिन कर लेंगे तो आपको आदत हो जाएगी, हर चीज सही हो जाएगी, ना ऐसा नहीं होने वाला। इट इज गोइंग टू बी टफ, एंड टफ है तभी तो मजा है ना। अगर टफ नहीं होता, ईजी होता तो सब IIT में होते, IIT इतना स्पेशल नहीं होता, राइट? एंड ट्रस्ट मी गाइज, एक बार इन चीज़ों पर आप मास्टर कर लेंगे तो इट इज़ गोइंग टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन योर लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने वीडियो से कुछ नॉलेज गेन होगी, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी वीडियो का वही पॉइंट था कि आप कुछ सीखें। एंड दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep growing, keep learning. Bye-bye.